सुखी, संपन्नता और प्रसन्नता की निशानी इस चंडी की महानगरी, सुव्यवस्थित नगरी को मेरा प्रणाम। यहाँ जिस समय विद प्लानिंग ये शहर बसा हुआ है, ये जिन रेखांश और अक्षांशों के ऊपर बसा हुआ है, यहाँ हमेशा सुखी, संपन्नता और प्रसन्नता ही रहेगी। यहाँ सदैव लोग जो हैं वो बाहर से आकर ही बसेंगे। यहाँ का मूल जाया जन्मा व्यक्ति कभी नहीं होगा। 800 साल से ये शहर आज कीर्तिमान दुनिया के अंदर बसाए हुए। पूरा भारत ही नहीं, पूरा एशिया का सबसे प्रथम ये सुव्यवस्थित शहर है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर हमेशा कायम रहता है। इस पावन धरा पर हमारे लक्ष्य ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के द्वारा आयोजित किया जा रहा 11वां ज्योतिष सम्मेलन में मैं कम से कम आज 5वीं बार यहाँ उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। मैं बताना चाहूँगा, चंडीगढ़ के इतिहास तो कई जगह पुराना है, लेकिन इससे पूर्व मैं ज्योतिष के इतिहास के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 95,000 साल पूर्व यजुर्वेद की रचनाओं का उल्लेख है, उसके अंदर ज्योतिष का उल्लेख है। जो नंबर हम इस्तेमाल करते हैं वो यजुर्वेद में लिखे हुए हैं और वो ज्योतिष की परिपाटी से बने हुए हैं। ज्योतिष की रचना और ग्रहों की रचना के कारण से ही आपके यहाँ वारों का निर्धारण किया गया है। होरा शास्त्र होता है अपने, होरा शास्त्र के अंदर सुबह सूर्योदय के अंदर जिस ग्रह की होरा होती है उसी ग्रह का वार होता है। संपूर्ण विश्व में यही माना जाता है, यही लागू है। तो ज्योतिष सर्वदा है, सर्वशक्तिमान है। ज्योतिष के बिना कुछ नहीं है। ज्योति मतलब ईश्वर की आँख है। जहाँ आँख है वहाँ सब कुछ है। पूरा शरीर चाहे कितना ही बलिष्ठ हो जाए, लेकिन अगर आँख नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा 2-3-4 चीज़ों के बारे में। यहाँ बताएं या नहीं बताएं, और किसी प्रोग्राम में बताएं, पहले मैं शिक्षा के संबंधित आपको बता दूं। आपको गर्व होना चाहिए अपनी ज्योतिष विद्या के अंदर। आने वाली शिक्षा पद्धति के अंदर संपूर्ण स्कूलों के अंदर 8वीं क्लास के बाद में ज्योतिष शिक्षा निर्धारित की गई है। दूसरी, इसरो के अंदर वैकेंसी हम ज्योतिषियों की निकल रही है 2025 के अंदर। तीसरी चीज, आज सभी यूनिवर्सिटी जो है ज्योतिष के अंदर एमए करवा रही है, और वो कोई भी एमए के अंदर फेल नहीं करेगी। यदि आप कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं तो आप ज्योतिष के अंदर एमए कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट उसके अंदर काउंसलिंग की नौकरी मिल सकती है। प्रोफेसर लेक्चरर नहीं कहके, क्योंकि यूजीसी से एफिलेटेड जो नीट और की जो परीक्षाएं होती है वो लेने के लिए अभी समय पूरी टीम गठित नहीं हुई है। मैं आप लोगों को ये बताते हुए बड़ा हर्षित महसूस कर रहा हूँ कि आज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, सुखदेवानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय ये कार्य लगभग काफ़ी लंबे समय से कर रही है। लेकिन हम लोग अनभिज्ञ हैं, हमारे पास जानकारी उसकी नहीं है, इस कारण से हम नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 3 सालों के अंदर ज्योतिष ने सर्वदा दुनिया के अंदर अपना मुकाम हासिल किया है। आज सारी यूनिवर्सिटी कराती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ इसलिए बंद हो गई, इस सब्जेक्ट को बंद कर दिया क्योंकि इसके पास लेक्चरर नहीं थे। यूजीसी से नॉमिनेटेड जो व्यक्ति होते हैं वो नहीं है। मेरी उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी का मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ, वो तो आज लगभग काफ़ी लंबे समय से कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कोई यूजीसी नॉर्म्स को पूरा करने वाला लेक्चरर नहीं है, इस कारण से स्टूडेंट को अपनी स्नातक परीक्षा जो है वो नहीं दे पा रहा है। जो स्नातक लोग हुए हैं अभी तक इसके अंदर, यानी ग्रेजुएट जो लोग हुए हैं, वो लोग संस्कृत लेकर के उसके बाद में हुए। तो संस्कृत जो है को हमेशा भारत सरकार ही नहीं, पूरी दुनिया ने उसको हमेशा दुत्कारा है, जबकि सर्वदा शक्तिमान आपकी संस्कृत लैंग्वेज है। संस्कृत आप देखेंगे, जो आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मूल लैंग्वेज संस्कृत है। संस्कृत से वो हेज लैंग्वेज में परिवर्तन होती है और उससे आपके बाइट सिस्टम पे इस समय काम करने वाले कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं। मैं आपको